नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया से हुए रूबरू। कहा 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का हुआ है बहुत तेजी से विकास। विभिन्न योजनाओं का गोरखपुर के लोगों को मिल रहा है लाभ। दो अगस्त को गायब 12 वर्षीय बालक का शव रविवार को मिला कुएं में। मामला चिलाताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का। एसपी नॉर्थ ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग प्रभारी मंत्री गोरखपुर मंडल सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। अधिकारियों को दिए निर्देश का विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ अवश्य की जाए, कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग। नौवीं पर मुहर्रम के निकलने वाले जुलूस की तैयारियों पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स की लगाई गई है पर्याप्त ड्यूटी। ड्रोन बॉडी वार्म कैमरे से की जाएगी निगरानी। गैंगस्टर एक्ट में जब्तशुदा मकान के सील व ताला तोड़कर मकान में निवास करने वाले दो गैंगस्टर अभियुक्त को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अगस्त को ज्वाला निषाद के अपहरण में शामिल तीन अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक सभी नागरिक अपने घरों पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत फहराएं तिरंगा। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नागरिकों से की अपील। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का किया दर्शन व पूजन। कहा पूरे जोन में पुलिस से मुस्तैद सकुशल संपन्न कराए जाएंगे त्योहार। महीने के पहले व तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस का किया जाएगा आयोजन। जनता के समस्याओं को सुनकर किया जाएगा समाधान। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल के ओपीडी कक्ष का किया औचक निरीक्षण। खामियां पाए जाने पर लगाई फटकार। कहा आमजन को हर तरह की उपलब्ध हो सके स्वास्थ्य सुविधा, प्रदेश सरकार कर रही है कोशिश। बंगाली झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बवासीर के ऑपरेशन से गए राम आशीष गुप्ता की जान। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा झोलाछाप डॉक्टर के ऊपर मुकदमा हुआ दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी। नवीन महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अन्य मंत्रियों के साथ किया निरीक्षण। गायों को खिलाया चारा। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त संतोष ठठेरा को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानक के विरुद्ध और हॉस्पिटल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेएस हॉस्पिटल न्यू कालिंदी हॉस्पिटल को किया सील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। और बाबा मोटेश्वर मंदिर में श्रावण माह के चौथे सोमवार को बाबा मोटेश्वर को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। सरयू नदी में स्नान कर कांवड़ियों ने जल भरकर पिपराइच के बाबा मोटेश्वर शिव मंदिर में चढ़ाया जल। मंदिर के महंत संतोष गिरी ने कहा मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से करते हैं पूजा अर्चना, उनकी मनोकामना होती है पूर्ण। अब खबरें विस्तार से।
उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रविवार से मैं गोरखपुर में हूं, सोमवार को मैंने स्कूल, अस्पताल, गौशाला, मलिन बस्ती का निरीक्षण किया है। 5 सालों में गोरखपुर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। मैं 2017 के पहले भी गोरखपुर आया हूँ, मुझे देख कर इस बात की प्रसन्नता है कि हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विकास के कार्यों में रुचि लेकर उनको जमीन पर उतारा है। उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर स्कीम के तहत जनपद में 1294 सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा अभी 153 अमृत सरोवर का कार्य पूरा किया जा चुका है, 15 अगस्त तक 259 अमृत सरोवर का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक महिला सशक्तिकरण के कन्या सुमंगला योजना के तहत जनपद में 42,600 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 42,624 लोगों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 664.84 लाख रुपया लोगों को दिया गया है। यह योजना कन्याओं के पढ़ाने के लिए है। इस योजना के तहत लड़की के जन्म पर 2,000 रुपए दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह में लोग बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं और अपना रोजगार भी कर रहे हैं। लोगों को मानदेय भी दिया जा रहा है, जिसमें लोगों को 5,000 से लेकर 15,000 तक का मानदेय दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, आपका स्वागत करते हैं। कल से मैं आपके जिले में हूँ। मेरे साथ प्रभारी मंत्री के रूप में मेरे साथ में श्री दानिश आजाद अंसारी, जो मुस्लिम वक्फ और हज के राज्य मंत्री हैं, और एक दूसरे जल शक्ति के राज्य मंत्री श्री दिनेश खट्टिक जी भी हमारे साथ में हैं। कल हमने सब जनप्रतिनिधियों से वार्ता की, उसके बाद उद्यमियों से वार्ता हुई। आज सुबह से मैंने स्कूल, अस्पताल, गौशाला, मलिन बस्ती सभी का दौरा किया और आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गोरखपुर में 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। मैं 2017 से पहले भी गोरखपुर आया हूं, उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव में भी रहा, और आज मुझे देखकर इस बात की प्रसन्नता है कि हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, उल्लेखनीय प्रगति हुई, और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विकास के कार्यों में रुचि लेकर उनको जमीन पर उतारा है। संक्षेप में 3-4 विषयों के ऊपर विशेष रूप से फोकस करना चाहूँगा। अमृत सरोवर एक स्कीम आई है, 1294 अमृत सरोवर बनने का लक्ष्य है, 15-8 तक 153 अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण हो गया, 259 15-8 तक पूर्ण किए जाने। इसके अतिरिक्त जो अभी तक महिला सशक्तिकरण और महिला के बारे में बहुत कहा जाता है, उसके संबंध में आपको जानकारी दे दें कि कन्या सुमंगला योजना ये बहुत पॉपुलर योजना हुई और गोरखपुर में इसका बहुत बड़ा लाभ भी मिला है लोगों को। 42,624 आवेदन प्रत कन्या सुमंगला में प्राप्त हुए, जिसमें 42,624 को लाभान्वित किया गया, कुल 664.84 लाख रुपया इन पर व्यय हुआ है। ये एक योजना 6 चरणों में कन्याओं को पढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषित की थी और ये बहुत पॉपुलर योजना हुई।
जब लड़का पैदा हो तो लोग स्वतः लड्डू बांटते हैं, और योगी जी ने जब इस योजना को लॉन्च करके लड़की पैदा हो तो उस पर भी 2,000 रुपये मिलते हैं, ताकि उस पर भी लड्डू बांटो। 2,00,000 रुपये की आमदनी वालों को भी ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जब लड़की पलके तैयार हो जाए तो स्वयं सहायता समूह से उसको जोड़ना, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करना, ये भी अपने आप में योजना पॉपुलर हुई। 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश लेवल के ऊपर इसमें लक्ष्य है। ये स्वयं सहायता समूह बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसमें जुड़ रहे हैं और अपना रोजगार भी कर रहे हैं। उन लोगों को इसमें मानदेय भी मिलता है 5,000 रुपये से लेकर और 15,000 रुपये तक मानदेय भी मिलता है। इस योजना भी बहुत पॉपुलर हुई। जुलाई तक 1,584 का हुआ है। इस समय लेकिन उसके सापेक्ष 1,748 समूह का गठन हो चुका। लक्ष्य ये था गठन, यानी जितना हमारा लक्ष्य था उससे ज़्यादा का गठन हो गया 110% लोगों का। और स्वयं सहायता समूह के बाद सामूहिक विवाह योजना, ये भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर योजना हुई है। 2017 से लेकर 2022 तक गोरखपुर में 3,026 लोगों को अभी तक इसमें लाभान्वित किया जा चुका है, और 22-23 में 404 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। तो ये कुल 3410 लोग इसमें लाभान्वित होंगे 22-23 तक, एक लड़की के पैदा होने से लेकर और उसके बाद उसके विवाह तक की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इसके अलावा जो पंचायत भवन है उसकी भी बड़े पैमाने पर उसको सराहा गया कि ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई और सबसे छोटी इकाई के बाद भी उसको हर तरह से ग्राम पंचायत लगभग 98% हमारे पंचायत भवन बन गए। गोरखपुर में खास तौर से 484 का लक्ष्य था, 468 बने हैं लगभग 96.69%, और बाकी का काम प्रगति पे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के शौचालयों में, सामूहिक शौचालयों में भी बड़े पैमाने पर प्रगति है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6,64,428 शौचालय का निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें 6,64,428 का लक्ष्य पूरा हो गया। फेज़ दो में 24,761 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य के सापेक्ष 23,043 की पूर्ति कर ली गई है, ये 93.6%। हर घर तिरंगा हमारा लक्ष्य है, उसमें हमारा विशेष रूप से मैंने नगर आयुक्त से कहा है, उन्होंने इस बात का वचन भी दिया है कि हमने जितना भी गोबर और गोमूत्र है उसको इकट्ठा करके उसको भी प्रयोग में लाया जाए, ताकि हमारी गौशालाओं की स्थिति को हम और बेहतर बना सकते हैं उसके माध्यम से। क्योंकि गोमूत्र से हम फिनाइल बनाएंगे और गोबर से खास तौर से इस समय भी कंपोस्ट खाद बन रही, ये अपने आप में गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोरखपुर में खास तौर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत गोबर धन वेस्ट टू वेल्थ 21-22 में जनपद में 2 गांव चयनित किए गए थे, हरियरपुर
और गाजे घड़ा चयन, इसमें प्रत्येक गांव में 25-25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियरपुर का कार्य 100% पूर्ण हो गया है तथा गाजे गढ़ा का काम 80% पूर्ण है। ये भी अपने आप में एक मॉडल के रूप में काम करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो लोकल मामला है आपका, यहाँ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और उनके माध्यम से जो उन्होंने बेहतर समझा होगा वही किया होगा। शासन का मामला बताते हैं आपको, जिन डॉक्टरों का गोरखपुर के लिए तबादला हुआ है वो तो डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं आए हैं। आपको इसका संज्ञान करा रहा हूँ, CMS और CMO होंगे, पूछ लीजिएगा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। डॉक्टर ही नहीं है और भी बच्चों के नहीं है, ये आपका हमने नोट कर लिया और हम इसको देख लेंगे। अभी तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत गोरखपुर में 6,811 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और लगातार ये 5 लाख रुपया जो आयुष्मान योजना के तहत दिया जाता है, इसमें 60% पैसा भारत सरकार का है और 40% पैसा राज्य सरकार का है, और इसके अतिरिक्त 69,075 लोगों को निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना के तहत लाभान्वित किया गया। चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव के कुएं में रविवार को 12 वर्षीय बालक का शव मिला। बालक 2 अगस्त को ब्रह्मभोज में गया था और वापस नहीं आया तो परिजनों ने चिल्वाताल थाने पर गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवाई। बच्चे के मिलने की सूचना प्राप्त होते ही मजनू चौकी प्रभारी मीरपुर गांव पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को बच्चे के कुएं में शव मिलने की सूचना दी। लाश मिलने की सूचना प्राप्त होते ही SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, CO कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह, चिल्वाताल थाना प्रभारी मीरपुर गांव पहुंच गए। पुलिस ने बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज में पहुंची फॉरेंसिक टीम व पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार का वस्त्र नहीं था। परिवार के लोगों ने किसी से दुश्मनी होने से इनकार किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि कुएं में गिरने से बच्चे की मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव के रहने वाले राम जी मुंबई में रहते हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, जबकि एक 12 साल का बेटा राजन था। 2 अगस्त को राजन गांव में ब्रह्मभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था, वहां से फिर वह घर नहीं पहुंचा, जिसका रविवार को देर रात्रि कुएं में लाश मिली। परिवारजनों ने पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को ही राजन के पिता रामजी मुंबई से वापस लौटे थे। रविवार की रात अचानक कुएं के पास से बदबू आने लगी तो ग्रामीणों को लगा कि कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया है। उन्होंने देखा तो बच्चे का शव कुएं में तैर रहा था। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो शव रामजी के बेटे राजन का निकला। लाश पानी में पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिससे आसपास के इलाके से बदबू आ रही थी। जिस कुएं में बच्चे का शव मिला था उसमें कटीली झाड़ियां थी, जबकि कुएं के बगल में पंपिंग सेट का बोर है ताकि कोई वहां के कुएं के पास भी ना जाए। ग्रामीणों को अंदेशा है कि किसी ने बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया होगा, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि बच्चे के शव को कुएं से निकालकर पंचनामा कराकर मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत किन कारणों से हुई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल शाम को ग्राम मीरपुर थाना चिल्वाताल से एक 12 वर्षीय बालक का एक कुएं से शव बरामद हुआ। ये बालक 2 अगस्त को अपने घर से एक ब्रह्मभोज में जाने के लिए निकला था, जहां से फिर वापस नहीं आया और कहीं गायब हो गया। पुलिस टीम लगातार इसका प्रयास इसके तलाश कर रही थी और संबंधित संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही थी। कल इसका शव मिलने पर उसका पंचायतनामा भरा गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग प्रभारी मंत्री गोरखपुर मंडल सुरेश कुमार खन्ना ने विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग अवश्य की जाए। मॉनिटरिंग जितनी अधिक होगी कार्य उतना ही गतिशील होगा। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए तथा जल निगम को निर्देशित किया कि वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बिछाते समय
यह ध्यान रखें कि आवागमन हेतु बनाए गए सड़क को खोद कर ना छोड़े बल्कि कार्य समाप्ति के तत्काल बाद सड़क की मरम्मत करा दे ताकि आवागमन में असुविधा ना हो। उक्त निर्देश प्रभारी मंत्री ने एनएक्सी सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा की समीक्षा के दौरान कहा कि यह रोजगार परक योजना शासन की प्राथमिकताओं में से है। उन्होंने कहा कि गाँव की आवश्यकता के अनुसार प्लानिंग बनाई जाए और मनरेगा के कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। बेसिक शिक्षा की समीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जितनी अधिक मॉनिटरिंग होगी शिक्षा की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में किया जा रहा है। शहरी पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए जाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं उद्योग के क्षेत्र में जब विकास गतिशील होगा तभी जनपद स्मार्ट सिटी के रूप में उभरेगा। बैठक का संचालन एवं तथ्यों का प्रस्तुतिकरण जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने किया तथा प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटेक, विधायक राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, चेयरमैन उर्दू एकेडमी चौधरी कैफुल वरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। बस फोटो लेके तुरंत बात, एक घंटे के बाद बात करेंगे। एक मिनट भैया भैया सर, आपका पुलिस अधीक्षक से भी है और जिलाधिकारी से भी है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मंगलवार को निकलने वाले मुहर्रम के नबी जुलूस की तैयारियों पर कहा कि जनपद में 8वीं और 9वीं मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, जिसको देखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में पर्याप्त फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है और सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा जो भी जुलूस के मार्ग हैं उसका भ्रमण कर लिया गया है। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है। जुलूस के सभी मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए प्रारंभिक तरीके से जिस तरह से पर्व को मनाया जाता है उसी तरह से मनाया जाए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस नजर बनाई हुई है। जुलूस में ड्रोन कैमरा, बॉडी वार्म कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। LIU के माध्यम से सूचना ली जा रही है, इसलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव क्रूवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर में आज 9वीं और कल 10वीं मुहर्रम का जो आयोजन हो रहा है उस संबंध में सभी थाना क्षेत्रों में फोर्स का इंतजाम किया गया है। सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा, सभी अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा जो भी जुलूस के मार्ग हैं उसका भ्रमण कर लिया गया है। पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और पारंपरिक रूप से जिस तरह से पर्व हमेशा मनाए जाते हैं उसी तरह से मनाया जाए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है, अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा, CCTV कैमरा और बॉडी वॉर्न कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। LIU के माध्यम से भी सूचनाएं ली जा रही हैं। शांतिपूर्वक ढंग से ये सभी आयोजन संपन्न हो, इसके लिए जनता से भी अपील है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। खोरावार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में जब्तशुदा मकान का सील तोड़कर मकान में रहने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को देवरिया बाईपास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोतीचंद पुत्र स्वर्गीय बुद्धू निषाद, दूसरा राजेश निषाद पुत्र मोतीचंद निवासी गढ़ सिकटौर टोला करमैया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है।
तीसरा जय हिंद निषाद पुत्र मोतीचंद निषाद निवासी घर सेक्टर टोला करमहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर का मकान जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर 18 अगस्त 2020 को यूपी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा पुलिस टीम की मदद से जब्त कर सील कर दिया गया था। पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त अभियुक्तगण सीलशुदा मकान का ताला तोड़कर सपरिवार असंवैधानिक तरीके से स्वयं व तथ्य को छुपाते हुए रिलायंस कंपनी के कर्मचारी गण को किराए पर दिया है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछे जाने पर उन लोगों ने बताया कि कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार मेरा मकान अवमुक्त कर दिया गया है। जब अवमुक्त आदेश की प्रति मांगा गया तो दूसरी पत्रावली प्रस्तुत किया जो अवमुक्त आदेश नहीं था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खुराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक रिजवान अहमद, कांस्टेबल अजीत यादव, कृष्ण कुमार गुप्ता शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अच्छा तो आज भेजो ना, सचिन की उंगली फ्रैक्चर हुई थी। सर कुछ कुछ कर रहे हैं, किसी पत्नी पर दान है या नहीं? बताओ। जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार अंतर्गत एक गैंगस्टर के अपराधी द्वारा गैंगस्टर में सीज किए गए मकान को इलीगल रूप से उसको खोलना एवं उसको पिछले एक साल से प्रयोग कर रहे, इस बात की सूचना एक मुखबिर खास ने थाना खोराबार इंस्पेक्टर को दी और उस पर पता तस्दीक कराया गया तो पता चला कि वास्तव में पिछले एक साल से उसको किराए पर लगा रखा है। इस बात की जानकारी होने पर उसके खिलाफ 128, 420, 447 तीन सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन अभियुक्तों के नाम मोतीचंद स्वर्गीय बुद्धू निषाद एवं राजेश निषाद, जिस पर 2018 में थाना खोराबार से गैंगस्टर हुआ था और 2020 में उसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। इस प्रकार अपने जिला अधिकारी महोदय द्वारा पारित किए गए आदेश की अवहेलना करने एवं इस व्यक्ति द्वारा बताया गया, जब पुलिस द्वारा पूछा गया पूर्व में कि आप इस प्रकार इस घर में क्यों निवास कर रहे हैं, तो उसने बताया कि मैंने कमिश्नर महोदय के यहाँ से इस ज़मीन को रिलीज़ करवा लिया है एवं इसमें मैं अब रहवास कर सकता हूँ। बीच में जब उससे आदेश की कॉपी मांगी गई तो बीच में टालम टोल करता रहा, लेकिन जब अब पुलिस द्वारा उसमें दोबारा पूछताछ की नहीं बता पाने पर, ये उसकी अवहेलना मानते हुए और किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट ना पाए जाने पर एक अन्य मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू। कैंट थाने की पुलिस ने 5 अगस्त को युवक का अपहरण करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर प्रदूषण चौराहा सिंगरिया से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान विकेश शुक्ला पुत्र गिरिजेश शुक्ला निवासी मोहल्ला पालनकुंडा गौरी बाजार जनपद देवरिया हाल पता उचवा टोला झरना टोला थाना शाहपुर गोरखपुर, दूसरा अंशुमान गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी मकान नंबर 57 आवास विकास कॉलोनी कूड़ाघाट थाना कैंच गोरखपुर, तीसरा शिवम सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी 214 आवास विकास कॉलोनी थाना कैंच गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 12 जुलाई को सिंगरिया मॉडल शॉप पर मारपीट हुई थी, जिसमें अभियुक्त ज्वाला निषाद पुत्र ललन निषाद निवासी सिंगरिया थाना कैंट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 2 अगस्त को जमानत पर रिहा होने पर ज्वाला निषाद को 5 अगस्त को जिम जाने वाले रास्ते पर सिंगरिया से 4 लड़के असलहे के साथ गाड़ी में बैठाकर उठा ले गए। पुलिस को जानकारी होने पर उन लड़कों के घरों पर दबिश दी जाने लगी, तब इन लोगों ने ज्वाला निषाद को सहारा स्टेट के पास छोड़कर भाग गए। ज्वाला निषाद की तहरीर के आधार पर सचिन यादव पुत्र पुंजाय प्रसाद यादव निवासी गिरधरगंज थाना कैंट गोरखपुर, दूसरा विकेश शुक्ला पुत्र अज्ञात, तीसरा शक्तिधर सिंह पुत्र अज्ञात सहित 2 अज्ञात लोग घटना के षड्यंत्र में शामिल थे।
उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि घटना में सचिन यादव, विकेश शुक्ला, अंशुमान गौड़, शिवम के द्वारा सचिन यादव की चारपहिया गाड़ी के साथ घटना कारित की गई। सचिन यादव ही असलहा लेकर आया था और असलहा उसके ही पास है। घटना करने का कारण यह है कि 12 जुलाई को मॉडल शॉप पर मारपीट में सचिन यादव के सर पर एवं उंगली में चोट लगी थी, जिस कारण सचिन यादव परेशान था एवं शराब का नशा करता है। शराब के नशे में वह बदला लेना चाहता था। उसी ने हम सभी लोगों को बुलाया था कि ज्वाला जेल से छूट कर आया है, इसको सबक सिखाना है। ज्वाला निषाद जब जेल से छूटा था तो जेल से रिहा होने पर ज्वाला निषाद के हाथ पर रिहाई की मोहर लगी हुई थी। व्हाट्सएप के स्टेटस पर हाथ के फोटो का स्टेटस लगाकर लिखा था कि जेल से छूट कर आया हूं, अब जो होगा देखा जाएगा। उसके स्टेटस को देखकर सचिन बदला लेने के लिए परेशान था। हम लोगों का दोस्त होने के कारण हम लोग भी साथ हो गए थे। हम लोग 5 अगस्त को जिम के पास से ज्वाला को गाड़ी में उठा कर ले गए, लेकिन तुरंत पुलिस की घेराबंदी तथा अपने आप को घिरता देख हम लोग पकड़े जाने के डर से ज्वाला को तुरंत सहारा स्टेट के पास छोड़ दिए। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, अखिलेश कुमार, कांस्टेबल वैभव श्रीवास्तव, अंकित कुमार, राकेश सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत सिंगड़िया क्षेत्र में एक मॉडल शॉप पर 12 जुलाई को एक मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना के अभियुक्त को 3 तारीख को जेल से रिलीज हुआ। जेल से रिलीज होने के बाद में उसने एक अपनी स्टेटस लगाई व्हाट्सएप पे कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। उस स्टेटस को देखते हुए 12 जुलाई की घटना में जो लोग पीड़ित थे उनके द्वारा बदला लेने की भावना से ज्वाला निषाद नाम के व्यक्ति को 5 अगस्त को जिम जाते वक्त उसको उठा लिया गया था एवं अपहरण किया गया। उस अपहरण के बाद में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उसको अपहरतों से रिलीज़ करवा लिया और अपहरत उसमें भाग गए थे। वो फरार अपहरत आज अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 3 लोग जिनका नाम विकेश शुक्ला, अंशुमन गौड़ और शिवम सिंह, सचिन यादव नाम का अभियुक्त अभी भी फरार है एवं उस पर 25,000 रुपये इनाम की भी घोषणा की गई है। अगर किसी व्यक्ति को सचिन गुप्त नाम के व्यक्ति की अगर पता चलता है तो ज़रूर पुलिस को सूचित करें। इस प्रकार शहर में मनबड़ों का मनोबल और ना बढ़े, इसके लिए पुलिस द्वारा शहर में गश्ती भी अच्छे से की जा रही है एवं प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं की रिपीटेशन भी ना हो। अभी तक इस प्रकार का कोई पुराना आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 12 तारीख को जो घटना हुई थी उसका बदला लेना था और उसी बदले लेने की भावना से ही उन्होंने इस व्यक्ति का अपहरण किया था। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व जिला प्रभारी सुरेश खन्ना ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सभी नागरिक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। उन्होंने कहा, गोरखपुर में आज 1,32,000 घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके लिए MSME के माध्यम से 3,79,200, जनपद स्तर पर 4,42,000 तिरंगा तैयार किया जाना है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों, निजी सप्लाई केंद्रों, NGO के माध्यम से 3,95,000 तिरंगा तैयार किया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, हर घर तिरंगा हमारा लक्ष्य है कि आज़ादी के 75 साल हो गए,
11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हर घर वाले तिरंगा फहराएं। ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है, इसलिए सभी लोगों का हम आह्वान करेंगे, आप लोगों का भी, कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। 8,32,000 का लक्ष्य था गोरखपुर का, जिसमें एमएसएमई के माध्यम से 3,89,200 एवं जनपद स्तर पर 4,42,000 झंडे तैयार किए जाने हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अंतर्गत जनपद स्तर पर स्वयं सहायता समूहों, निजी सिलाई केंद्रों और एनजीओ के माध्यम से 3.95 लाख झंडे तैयार किए गए हैं अभी तक। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया से हुए रूबरू, कहा 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का हुआ है बहुत तेजी से विकास, विभिन्न योजनाओं का गोरखपुर के लोगों को मिल रहा है लाभ। दो अगस्त को गायब 12 वर्षीय बालक का शव रविवार को मिला कुएं में। मामला चिलुआताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का। एसपी नॉर्थ ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग प्रभारी मंत्री गोरखपुर मंडल सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। अधिकारियों को दिए निर्देश का विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ अवश्य की जाए, कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग। नौवीं पर मुहर्रम के निकलने वाले जुलूस की तैयारियों पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स की लगाई गई है पर्याप्त ड्यूटी, ड्रोन बॉडी वार्म कैमरे से की जाएगी निगरानी। गैंगस्टर एक्ट में जब्तशुदा मकान के सील व ताला तोड़कर मकान में निवास करने वाले दो गैंगस्टर अभियुक्त को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। अगस्त को ज्वाला निषाद के अपहरण में शामिल तीन अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक सभी नागरिक अपने घरों पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत फहराएं तिरंगा। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नागरिकों से की अपील। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का किया दर्शन व पूजन, कहा पूरे जोन में पुलिस से मुस्तैद सकुशल संपन्न कराए जाएंगे त्योहार। महीने के पहले व तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस का किया जाएगा आयोजन, जनता के समस्याओं को सुनकर किया जाएगा समाधान, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल के ओपीडी कक्ष का किया औचक निरीक्षण, खामियां पाए जाने पर लगाई फटकार, कहा आमजन को हर तरह की उपलब्ध हो सके स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश सरकार कर रही है कोशिश। बंगाली झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बवासीर के ऑपरेशन से गए राम आशीष गुप्ता की जान, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा झोलाछाप डॉक्टर के ऊपर मुकदमा हुआ दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी। नवीन महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अन्य मंत्रियों के साथ किया निरीक्षण, गायों को खिलाया चारा। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त संतोष ठठेरा को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानक के विरुद्ध और हॉस्पिटल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेएस हॉस्पिटल न्यू कालिंदी हॉस्पिटल को किया सील, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। और
बाबा मोटेश्वर मंदिर में श्रावण माह के चौथे सोमवार को बाबा मोटेश्वर को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। सरयू नदी में स्नान कर कांवड़ियों ने जल भरकर पिपराइज के बाबा मोटेश्वर शिव मंदिर में चढ़ाया जल। मंदिर के महंत संतोष गिरी ने कहा, मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से करते हैं पूजा अर्चना, उनकी मनोकामना होती है पूर्ण। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर ADG जोन अखिल कुमार ने अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन और पूजन किया, जिसके संबंध में ADG जोन अखिल कुमार ने बताया कि आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। श्रद्धालुओं की भीड़ हर एक मंदिरों पर लगी है। लोग अपनी श्रद्धा के लिए भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जोन में पुलिस अच्छी तरह से मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी कर रही है तथा इस श्रावण मास त्योहार को सकुशल मनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, सत्य 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 सत
श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, श्रद्धालुओं की भीड़ हर एक मंदिरों पर है, काफ़ी श्रद्धा से लोग आके जल चढ़ा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पे। पुलिस की पूरी व्यवस्था पूरे जोन में और हर एक मंदिरों पर पुलिस अच्छी व्यवस्था कर रही है, ड्यूटी कर रहे हैं। सारा कार्यक्रम अभी करीब 10:30 बज रहे हैं सुबह के, सभी जगह से कुशलता है और अच्छे ढंग से आज त्यौहार को निभाया जाएगा, मनाया जाएगा। जनपद में महीने के पहले व तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिस तरह तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी ब्लॉकों पर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक के बीडीओ, ज्वाइंट बीडीओ, एडीओ, एडीओ पंचायत सहित ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका मौके पर निस्तारण किया जाएगा, जिससे गांव के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चक्कर ना लगाना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, जिस तरह से अभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होता है, उसी तरह से सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ब्लॉक में प्रत्येक मास के फर्स्ट और थर्ड बुधवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी वहाँ के बीडीओ, ज्वाइंट बीडीओ, सभी एडीओ, एडीओ पंचायत, एडीओ एसबी और जो भी एडीओ कृषि और एडीओ कोऑपरेटिव में, साथ ही सभी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, टीए, सभी मौजूद रहेंगे वहाँ पर और जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और जो भी उनकी समस्याएँ होंगी उसका निराकरण वहीं पर कराया जाएगा। जिस तरह से तहसील दिवस में होता है, उसी तरह से ये जो ब्लॉक दिवस है, इसमें ब्लॉक में समस्या के समाधान के लिए महीने में 2 दिन का समय जो है फर्स्ट और थर्ड बुधवार का रखा गया है शासन के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटिक एवं प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ बोर्ड के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को जिला अस्पताल के ओपीडी कक्ष का औचक निरीक्षण किया। खामियां पाए जाने पर फटकार लगाई, जिसके संबंध में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिला अस्पताल में 1500 से 2000 के करीब ओपीडी हैं, जिसमें अलग अलग विभाग के डॉक्टर बैठकर मरीज को देखते हैं। सभी को दवाइयां अस्पताल से निशुल्क मिल रही है तथा आगे कोशिश रहेगी कि इसको और बेहतर बनाया जाए और हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, जब शक्ति मंत्री के हाथ में नहीं आया, पानी नहीं आया, पानी भी आना बचा रहा है, पानी भी आना जिसका डॉक्टर बैठे हैं,
सर हम लोग दवा नहीं मिलता है हमारे बाहर से। हाँ यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ ना होकर प्रोग्रेस रिपोर्ट हाँ वही पहुँचा लिए वही आवश्यक ठीक है।
17 बेड का हमारा PICU है और 8 पेशेंट हैं सर। सेकंड से बात करा जिन जिन डॉक्टरों का गोरखपुर के लिए तबादला हुआ है वो तो डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं आए हैं। आपको इसका संज्ञान करा रहा हूँ, CMS और CMO होंगे, पूछ लीजिएगा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। डॉक्टर ही नहीं है और भी बच्चों के नहीं है। ये आपका हमने नोट कर लिया और हम इसको देख लेंगे। अभी तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत गोरखपुर में 6,811 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और लगातार ये 5 लाख रुपया जो आयुष्मान योजना के तहत दिया जाता है इसमें 60% पैसा भारत सरकार का है और 40% पैसा राज्य सरकार का है और इसके अतिरिक्त 69,075 लोगों को निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना के तहत लाभान्वित किया गया। खोराबाड़ थाना अंतर्गत रजही गांव के रहने वाले रामाशीष गुप्ता नाम के व्यक्ति का 4 अगस्त को बंगाली जुड़ा छाप डॉक्टर द्वारा बावसीर का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया तथा 7 अगस्त को रामाशीष गुप्ता नामक व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और सांस फूलने लगी तो तारामंडल स्थित किसी हॉस्पिटल में अपना फिर से ऑपरेशन कराया। उसके बाद वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में SPCD कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पुलिस द्वारा जुड़ा छाप डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी करके मामले का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCD कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर के खोराबार थाना अंतर्गत एक रजई गांव पड़ता है, रजई गांव के रामाशीष गुप्ता नाम के व्यक्ति का 4 तारीख को एक बंगाली डॉक्टर जिसे झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं उस डॉक्टर द्वारा बवासीर का ऑपरेशन किया गया एवं ऑपरेशन के बाद वो व्यक्ति अपने घर चला गया। 7 तारीख को उसने उसको सांस फूलने की ऐसी कंप्लेंट आई तो उसने तारामंडल क्षेत्र में जाके अपना ऑपरेशन कराया और उसके बाद में वहाँ उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में पुलिस द्वारा 387/22 304 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है एवं तुरंत ही उस झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी कर घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी सुरेश खन्ना ने अन्य मंत्रियों के साथ सोमवार को नवीन महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गायों को अपने हाथों से चारा खिलाया और उनके रख रखाव की अधिकारियों से जानकारी ली, जिसके संबंध में गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कान्हा उपवन का निरीक्षण किया गया है और सभी गायों की स्थिति बेहतर है। यहाँ पर गोबर से कम्पोस्ट खाद बनाई जा रही है जो सराहनीय प्रयास है, इसलिए गौमूत्र की भी प्रयोग में लेकर फिनाइल बनाया जाए, जिसके लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर कार्य को शुरू कर दिया जाए। इस अवसर पर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटिक, अल्पसंख्यक कल्याण व मुस्लिम वक्फ बोर्ड के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, बाहर थोड़ा आ जाना अनुमति ले लीजिए, हम सब एक दिन के लिए हमारे यहाँ जो मन से वो भक्तों से गौशाला मॉडल गौशाला होना चाहिए था
इनके गोमूत्र का इकट्ठा कर तो ये गौशाला को आज गौशाला देख के हम यहाँ पिकनिक करने आए हैं। अगर यह परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे नाली बनाओ, चाहे इनके ऊपर कोई चीज़ मांगो, गोमूत्र इकट्ठा करके, गोबर इकट्ठा करके, अभी मैं दिखाऊं तो गोबर वाला इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बना उसे जो है कुछ केमिकल वेमिकल लगा देता है तो हम लोग इसे जो प्रोजेक्ट जो है अब तक कामयाब है, लेकिन उसको चलिए वो आप और नहीं तो आप बिना बना के रखे रहोगे और नगर निगम में उसको तब उतरने लगेंगे तो हमारा को बाहर जो खरीदते हैं वो बचेगा। इलेक्शन प्लान हमें शाम तक बना के दो, इसकी नाली बनेगी, नाली जो है नहीं नाली बनाई उसके साथ आपको गोबर मिलता है, गोबर से आपको कंपोस्ट देती है, उस पर जितनी आपकी लागत आती है अगर उससे लागत निकली आएगी गोबर से कंपोस्ट बनाने में उसका टाइम टेकिंग है मशीन के गुट्टे बनते हैं जिससे डेड बॉडी है इसे दक्ष के हमें हफ्ते नाली बनना आप नगर निगम के लिए बड़ी बात नहीं है, आप तो उसके हैबिचुअल इकट्ठा आए से इकट्ठा हो उसमें कायदे से वो इकट्ठा हो सके बहुत बड़ा इसके लिए वो बदल नहीं है। जब तक हम ऐसे करके चले जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, बिल्कुल साल भर का हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, टेंडर निकाल के तक पूरा कर लेते हैं, अब जो चूना चोकर जो चोकर है सर खंडा है ये सब हम लोग साल भर का कर लेते हैं, ये नहीं बीच डिजाइन आप बनाओ जो डिजाइन पर मूर्त कलेक्ट करने के लिए सबसे कैसे डाली बनवाओगे गोबर गोबर बेचो चाहे उसको दो आइए आप उसके हमने पल्ला झाड़ लिया हम 24 घंटे ये रहते हैं तो देखा वाली हमारा काम नीति बनाना आपका देखा वाली तो मुझको काम तो रिजल्ट जो काफ़ी गाय ठीक है एक जब इनकी एंट्री हो उसकी कंडीशन जरूर लिखी है जब आए तो कंडीशन लिखी सर बात कंडीशन आने के बाद ये रजिस्टर का कारण गाय नहीं है ऐसे उसने पका था प्लानिंग जब तक नहीं हो वो तो हाथ जो है वो भारद्वाज पानी देना ये देखिए ये सेवा भाव है योगी जी के जिले में हमको सम्मानित राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देखिए ये अगर आप उनको सम्मान खा ली तो आपके कोई गौशाला पहुँच जाएगा तो देखभाल बहुत जरूरी होती चीज़ है
मूत्र गोबर से ये इकोनॉमिकली सिस्टम है। अगर मूत्र रिसाइकिल हो गया चार यूज करेंगे सर, थोड़ा सा हाँ बढ़िया सर सर पीछे बहुत अच्छा सर 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 मंत्री जी मंत्री सर इधर सर जी काना उपवन में आज गोवंश का निरीक्षण किया। इन गायों की स्थिति काफी बेहतर है, आप इधर आ जाइए। और यहाँ पर गोबर से जो कंपोस्ट बनाई जा रही है वो भी इनका बहुत सराहनीय प्रयास है, और हम ये जरूर चाहेंगे कि गोमूत्र को भी ये अगर प्रयोग में लेंगे और उसकी फिनाइल या किसी प्रकार से उसको रिसाइकिल करवाएंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी इस गौशाला के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आज हमसे नगर आयुक्त कहा कि 15 दिन के अंदर हम ये व्यवस्था लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे तरीके से और सेवा भाव से यहाँ पर गौशाला का संचालन हो रहा है। शाहपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर असुन चौराहे से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान संतोष ठठेरा पुत्र नंदू ठठेरा निवासी तुरतीपार थाना उभाव जनपद बलिया हालपता झुंगिया बाजार थाना चिलौताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक नजर इमाम, हेड कांस्टेबल नरुद्दीन खान, कांस्टेबल आजाद अली, अरविंद कुमार यादव शामिल रहे। जिले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हॉस्पिटलों एवं हॉस्पिटल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोरखपुर को निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में सोमवार को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोरखपुर द्वारा जेएस हॉस्पिटल एवं न्यू कालिंदी हॉस्पिटलों को सील किया गया है एवं तहरीर के आधार पर थाना कैंट एवं थाना रामगढ़ताल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए जनपद के सभी हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं एवं मेडिकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई को जेएस हॉस्पिटल एवं न्यू कालिंदी हॉस्पिटल के ऑपरेटरों द्वारा एक दूसरे के साथ मारपीट एवं हवाई फायरिंग की गई थी। इस तरह की अराजकता जनपद में ना फैले इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में 30 जुलाई को चार मनबड़ों द्वारा जेएस हॉस्पिटल के बाहर हवाई फायरिंग की गई थी। उसमें से दो अभियुक्तों को पुलिस द्वारा धरपकड़ कर गिरफ्तार किया गया था एवं दो अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। जब पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि जांच की तो पाया गया कि ये लड़ाई मुख्यतः हॉस्पिटल के संचालन एवं मरीजों को लाने से संबंधित थी। इस पर जेएस हॉस्पिटल एवं कालिंदी हॉस्पिटल की जांच कराने के लिए गोरखपुर पुलिस द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया था। उसी जांच के अनुक्रम में आज डिप्टी सीएमओ द्वारा जेएस हॉस्पिटल एवं न्यू कालिंदी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है एवं उनके द्वारा तहरीर के आधार पर थाना कैंट एवं थाना रामगढ़ताल में इंडियन मेडिकल एक्ट एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद के नगर पंचायत पिपराइच में बाबा मोटेश्वर मंदिर में श्रवण माह के चौथे सोमवार को बाबा मोटेश्वर को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही तथा सभी श्रद्धालुओं को बारी बारी से जल चढ़ाने का मौका दिया जा रहा था। यह बेहद प्राचीन मंदिर है और भक्तों में इसे लेकर बहुत आस्था है। सावन के आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की श्रद्धा शिव मंदिरों पर उमड़ पड़ी। गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित पिपराइच कस्बे में मोटे शिव का बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर दूर दराज से लोग पूजा आराधना करने और मन्नत मांगने के लिए आते हैं। भक्तों की हर मुराद इस शिव मंदिर में पूरी होती है। श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ शिव की पूजा आराधना करते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु मोटे शिव के दर्शन करने के लिए सावन में चौथे सोमवार को मंदिर में आए और हर हर महादेव की जय घोष कर पूजन किया।
यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर के महंत संतोष गिरी ने बताया कि यह काफी प्राचीन मंदिर है, सावन में इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। मोटेश्वर शिव मंदिर की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। उससे पहले यहां पर पीपल का एक छोटा पौधा था, जहां से 4 इंच मोटा और 9 इंच लंबा शिवलिंग मिला था। तत्पश्चात मंदिर की स्थापना कर शिव भक्त पूजा पाठ करने लगे और दिन पर दिन बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग भव्य हो गया। उन्होंने कहा कि मोटेश्वर बाबा के मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ को सावन माह प्रिय है। भगवान शिव देवताओं में सबसे सरल और जल्द प्रसन्न हो जाने वाले देवता माने जाते हैं। भोलेनाथ की आराधना के लिए यूं तो पूरा सावन मास ही शुभ है, लेकिन उसमें भी सोमवार का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन आपके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सावन के सोमवार को शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बड़हरगंज के मुक्तिपथ से सरयू नदी के तट से जल लेकर कांवरिये पिपराइच के मोटेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। सरयू नदी में स्नान कर कांवरियों ने जल भर कर पिपराइच के शिव मंदिर के लिए अपने अपने साधनों से चल दिए। मुक्तिपथ से करीब 90 किलोमीटर दूर पिपराइच के मंदिर पर कांवरियों का जत्था कई जगह से होते हुए पहुंचा। सोमवार के दिन ज्यादातर लोग पुत्र प्राप्ति की मन्नतें मांगते हैं और उनको भोले बाबा पुत्र देते हैं। जो लोग सोमवार के दिन पूजा पाठ करते हैं, उनका महत्व अधिक होता है और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच स्थित मोटेश्वर नाथ मंदिर में आई श्रद्धालु श्वेता एवं मंदिर के महंत संतोष गिरी ने कहा, आप लोग जल को चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे प्रशासन हमारे किसी भी अपरिचित महिला से कोई सभी माता बहनों से सदा खुशहाली बनाए रखते की इस मंदिर को आगे बढ़ाने में आप लोग आप लोग बारी बारी से प्रसाद लेते रहे।
देकर निकल जाइए, चंदन सबको लगाइए। हल्दी चंदन चढ़ता है, हनी चढ़ता है, मधु बेलपत्र। हाँ पूरा होती है मंदिर जी। श्री संतोष गिरी जी, मैं मोटेश्वरनाथ मंदिर के महंत हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने भोले बाबा का आते हैं। भोले बाबा स्वयं जमीन से निकले हुए हैं लगभग 200 वर्ष पूर्व, और जो भी सच्चे मन से इस भोले बाबा का पूजा मन्नतें मांगते हैं, भोले बाबा उनका मन्नतें पूरी करते हैं। और अधिक से अधिक लोग भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए 3 बजे भोर से लाइन में लगे हुए हैं, और बारी बारी से सबका दर्शन हो रहा है, और वो बड़े ही खुशहाली से प्रसाद को लेकर के घर जा रहे हैं। यह मोटेश्वरनाथ मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पर स्वयं ये जमीन से निकले हुए हैं। यह जल चढ़ाते चढ़ाते इनका शिवलिंग जो है इतना मोटा हो गया, इनको मोटेश्वरनाथ मंदिर मोटे शिव कहा जाता है। सावन में भोले बाबा का विशेष महत्व रहता है कि काफ़ी लोग सावन में, यह भोले बाबा का त्यौहार है, उनका यह दिन है सावन मास, इसी में अधिक से अधिक लोग आते हैं और जल चढ़ा करके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सावन मास में भोले बाबा का विशेष महत्व रहता है। भोले बाबा और पार्वती जी का जो है पूजा अर्चना इसी दिन हुआ था, और लोग मन्नतें मांगते हैं, जिनका पुत्र नहीं होता है भोले बाबा उनको पुत्र देते हैं, और पार्वती जी का विशेष पूजा सोमवार के दिन ही हुआ था, भोले बाबा से उनके वरदान के रूप में सोमवार के मांगी थी। जो लोग सोमवार को पूजा पाठ करते हैं उनका महत्व अधिक रहता है और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया से हुए रूबरू। कहा 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का हुआ है बहुत तेजी से विकास, विभिन्न योजनाओं का गोरखपुर के लोगों को मिल रहा है लाभ। दो अगस्त को गायब 12 वर्षीय बालक का शव रविवार को मिला कुएं में। मामला चिलाताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का। एसपी नॉर्थ ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग प्रभारी मंत्री गोरखपुर मंडल सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। अधिकारियों को दिए निर्देश का विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ अवश्य की जाए, कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग। नौवीं पर मुहर्रम के निकलने वाले जुलूस की तैयारियों पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स की लगाई गई है पर्याप्त ड्यूटी, ड्रोन बॉडी वार्म कैमरे से की जाएगी निगरानी। गैंगस्टर एक्ट में जब्तशुदा मकान के सील व ताला तोड़कर मकान में निवास करने वाले दो गैंगस्टर अभियुक्त को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा।
5 अगस्त को ज्वाला निषाद के अपहरण में शामिल 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक सभी नागरिक अपने घरों पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत फहराएं तिरंगा। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नागरिकों से की अपील। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का किया दर्शन व पूजन। कहा, पूरे जोन में पुलिस से मुस्तैद सकुशल संपन्न कराए जाएंगे त्योहार। महीने के पहले व तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस का किया जाएगा आयोजन। जनता के समस्याओं को सुनकर किया जाएगा समाधान। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल के ओपीडी कक्ष का किया औचक निरीक्षण। खामियां पाए जाने पर लगाई फटकार। कहा, आमजन को हर तरह की उपलब्ध हो सके स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश सरकार कर रही है कोशिश। बंगाली झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बवासीर के ऑपरेशन से गए राम आशीष गुप्ता की जान। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, झोलाछाप डॉक्टर के ऊपर मुकदमा हुआ दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी। नवीन महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अन्य मंत्रियों के साथ किया निरीक्षण। गायों को खिलाया चारा। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त संतोष ठठेरा को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानक के विरुद्ध और हॉस्पिटल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेएस हॉस्पिटल न्यू कालिंदी हॉस्पिटल को किया सील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। और बाबा मोटेश्वर मंदिर में श्रावण माह के चौथे सोमवार को बाबा मोटेश्वर को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। सरयू नदी में स्नान कर कांवड़ियों ने जल भरकर पिपराइच के बाबा मोटेश्वर शिव मंदिर में चढ़ाया जल। मंदिर के महंत संतोष गिरी ने कहा, मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से करते हैं पूजा अर्चना, उनकी मनोकामना होती है पूर्ण। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।